कैसे मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हो करते हैं कि सब लोग ठीक हो गए। जैसा कि आप देख रहे हो, लॉकडाउन का सेशन चल रहा है और वीडियो क्लास हर सब्जेक्ट का जारी हो रहा है। इसी के साथ आज हम लेके आए हैं हम लोग का चहेता सब्जेक्ट, जो है हिंदी। सबके लिए बहुत आसान और बहुत सरल सब्जेक्ट कहा जाता है हिंदी, और हिंदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इज इट क्लियर? हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा। इसलिए हम लोग हिंदी को बहुत तहे दिल से ही मानते हैं और पढ़ते भी हैं, क्योंकि बचपन से ही हम लोग को हिंदी में ही सब कुछ सिखाया था, क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। बोलने के लिए जब सीखते हैं तब माँ पापा इस टाइप से सीखते हैं, ठीक है। तो आज का विषय है, आज क्लास 8 के लिए हम लेके आए हैं हिंदी। क्लास 8 के लिए हिंदी लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा सब बच्चे लोग, क्योंकि हिंदी में हम लोग का थोड़ा अपना इंटरेस्ट अधिक होता है, ठीक है। तो आज हिंदी लेके आए हैं, सब लोग बच्चे रेडी हो जाएंगे ताकि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा यही चाहिए कि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा, उसकी गौरव को बनाए रखें, ठीक है। और हमारे अपने तरफ से है कि भाई कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके लिए, ठीक है। तो आज 8 क्लास का हिंदी चैप्टर 1 लेके आए हैं, परिंदे की फरियाद। परिंदा मीन्स होता है, आप कह सकते हैं जिसको पिंजरा में हम लोग बंद रखते हैं, वो तोता हो या फिर कोई और प्राणी हो, उसे रखते हैं तो उसी को परिंदा बोलते हैं, तोता कोई, ठीक है। तो परिंदे की फरियाद होती है, जो जब परिंदा क्या इसमें रहता है, पिंजरे में रहता है, तो उसकी अपनी फरियाद होती है। तो आज परिंदे की फरियाद थोड़ी सुनते हैं, ठीक है। रेडी है? गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू पैराडाइज वैली स्कूल। आई एम सोनल सर, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी। एंड जो बच्चे किताब लिख रहे थे जल्द से जल्द खरीद लें। क्लास 8 का हिंदी लेके आए चैप्टर 1, परिंदे की फरियाद, ठीक है। शुरू करते हैं। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, आता है याद मुझे गुजरा हुआ जमाना। मीन्स जो परिंदा है वो पिंजरे के अंदर है और वो याद करता अपना गुजरा हुआ जमाना, ठीक है। वह बाग की बहारें, वह सबका चहचहाना। और वो बाग मतलब बगीचा में जो बहार रहता है और सारे पक्षी का चहचहाना, उसको परिंदे को क्या होता है? याद आता है, ठीक है। आजादियां कहां वह अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। और आजादी कहां है वो अपना घोंसला वाला, कि जब मन है जब आए, जब मन है जब गए, ठीक है। लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, ठीक है। लगती है चोट, जब याद आता है तो चोट तो लगेगी ना कि हम कैद में है, ठीक है। सबनम की आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, सबनम की आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। तो सबनम किसको बोलते हैं? ओस को बोलते हैं, ड्यू को, जो ओस गिरता है ना रात में वो। वह प्यारी प्यारी सूरत, वह कामनी सी मूरत, मतलब बोला है वह प्यारी प्यारी सूरत और कामनी सी मूरत, ठीक है। आबाद जिसके दम से था मेरा आसियाना, और जब आजाद था तो उसका आसियाना एकदम आजाद था, ठीक है, आबाद था, ठीक है। आती नहीं सदियां उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई एक आस मेरे बस में। बोल रहा है कि जब वो पिंजरे में बंद है तो वो चाहता है कि अगर सुख हो सकता था, अगर सुख होता कि हम अपने दम पे बाहर निकल जाएं, तो हम जरूर बाहर निकल जाते और ज्यादा समय ना लेते हुए। वही बोला, होती मेरी रिहाई एकाश मेरे बस में, तो कब के हम रिहा हो जाते, ठीक है। क्या बदनसीब हूं मैं, घर तो तरस रहा हूँ, घर को तरस रहा हूँ। इतना बदनसीब है कि उसका जो घर, अपना घर जो होता है परिंदे का, वो घोंसला, उसके लिए कितना तरस रहा है, ठीक है। साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। मेरा साथी क्या है? वतन में है, अपने वतन में है, अब मैं कैद में पड़ा हूँ, ठीक है, परिंदा बोल रहा है। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही है, आई बहार कलियां की फूलों हंस रही है। फूल के बारे में बोला, फूल क्या कर रहा है? हंस रहा है। कली में क्या आ रहा है? बहार। मैं इस अंधेरे में, अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। और ये जो जहाँ परिंदा है पिंजरे में पैक, उसके बारे में बोला है कि मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ, ठीक है, किस्मत को लेके रो रहा है, ठीक है।
इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, और जो मैं कैद में हूं तो उसके बारे में मैं किसे सुनाऊं। ठीक है, डर है यही कफस में मैं गम के मारे मर ना जाऊं, और उसे डर है कि कहीं यही कफस में, मतलब यही टेंशन में, यही दुविधा में, ठीक है, पिंजरा का कैद खाना में ये मर ना जाए। ठीक है, जब से चमन छूटा है यह हाल हो गया है, और जब से उसका अपना चमन छूटा, मतलब परिंदा आजाद खोजता है, हमेशा आजाद रहना चाहता है अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ, ठीक है, वही बोल रहा है कि जब से चमन छूटा, मतलब उसका देश छूटा, उसका बदन छूटा, तब से ये हाल हो गया है। दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है, और दिल जो है गम को खा रहा है, गम जो है दिल को खा रहा है। ठीक है, गाना इसे समझ के खुश हो ना सुनने वाले, और जो वो बोल रहा है उसको, मतलब गाना की तरफ जो गुनगुना रहा है, वो बोल रहा है कि गाना इसे समझ के खुश हो जाना सुनने वाले, खुश ना होना सुनने वाले, मतलब खुश होने के लिए नहीं बोला। दुखते हुए दिल की फरियाद यह सदा है, और दिल जो उसका दुखा हुआ है क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर है, तो यही फरियाद कर रहा है। ठीक है, आजाद मुझको कर दे वो कैद करने वाले, जो उसको कैद किया है उससे बोलता है कि आजाद कर दे मुझे जो मुझे कैद किए हो। ठीक है, मैं बेजवा हूँ, मैं बेजुबा हूँ कैदी तू छोड़कर दुआ ले, और मैं बेजवा हूँ कैदी, मतलब मेरे पास जुबान तो है नहीं बोलने के लिए, तो मुझे छोड़कर दुआ ले, क्योंकि तू मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुझे दुआ दूंगी। ठीक है, ये परिंदे की फरियाद थी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये परिंदे की फरियाद खत्म होता है। शब्दकोश पे आते हैं, आपके बुक में शब्दकोश दिया हुआ है। ठीक है, आजादियां, आजादियां मीन्स होता है स्वतंत्र, ठीक है, फ्रीडम। सबनम मीन्स ओस, मुस्कुराना मीन्स हंसना, ठीक है, आबाद मीन्स बसा हुआ, आसियाना मीन्स घोंसले या घर, सदियां मतलब आवाजें या पुकार, कफस मतलब पिंजड़ा या कैदखाना, ठीक है, रिहाई मतलब मुक्ति, इलाही मतलब प्रभु, ठीक है, चमन मतलब बगीचा, समझ रहे हैं, फरियाद मतलब प्रार्थना, ठीक है, बेजवा मतलब वाणीहीन, मतलब जो कि बोल नहीं सकता, बेजुबान। ठीक है, इसी के साथ आपका आज का चैप्टर था परिंदे की आवाज, जो कि समाप्त हुआ। अब थोड़े एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि सबको पसंद आया होगा, क्योंकि एक परिंदा जब पिंजड़े की कैद में रहता है तो वो फरियाद करता है, कोई परिंदा नहीं चाहता है कि हम पिंजड़े में रहें, हम कैद में रहें। क्या आप करना चाहते हैं कैद में, कोई आपको कैद करके रखे एक ही रूम में बंद करके जबरदस्ती, कि आपको बाहर नहीं निकलना, आपको कैसा फील होगा, सेम फीलिंग उसको भी होता है। ठीक है, तो ये परिंदे की फरियाद थी, जो कि आप देख चुके परिंदे की फरियाद। ठीक है, उसे याद आता है उसका अपना घोंसला, अपना घर, अपना आना जाना, अपना दोस्त लोग, अपना वतन, ठीक है, परिंदे को याद आता है ये सब। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइजेस आज दिया हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मौखिक क्वेश्चन है, परिंदा किसका प्रतीक है, ठीक है, परिंदा सब कुछ क्यों याद कर रहा है, क्योंकि वो कैद में है, ये सब मौखिक क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन है लिखित क्वेश्चन है, और कुछ व्याकरण ग्रामर सेक्टर है। ठीक है, तो आपका ये अभ्यास जो है, एक्सरसाइजेस जो है, आपका होमवर्क रहेगा, पूरा एक्सरसाइजेस आपका होमवर्क रहेगा, जो कि आप बना के आएंगे, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने वो कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि हम आपको वो क्वेश्चन करके दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी के साथ कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए, इसी के साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, यही हमसे हमें आपसे अनुरोध है। ठीक है, थैंक यू।